रिलेटेड मॉडल, व्हाट अबाउट मॉडल? ओके आई और एम पैसिव, रेडी. पैसिव और पैसिव. मॉडल? ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट ओके पैसिव, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम. सो ओके लेट्स स्टार्ट पैसिव. बट यू आस्क मी इन हिंदी, आई कन्वर्ट इन इंग्लिश. ओके आई विल कन्वर्ट इन इंग्लिश. ओके ओके सो माय फर्स्ट सेंटेंस इज, मुझे चॉकलेट्स दिए जाते हैं. मुझे चॉकलेट दिए जाते हैं. आई एम गिवन चॉकलेट. चॉकलेट्स, ग्रेट. मेरे भाई को पैसे दिए जाते हैं. मेरे भाई को पैसे दिए जाते हैं. माई ब्रदर इज गिवन मनी. ग्रेट. मेरे घर पे शाम को चाय नहीं बनाई जाती है. घर पे शाम को चाय नहीं बनाई जाती है. ओके आई एम नॉट मेरे घर पर. ओह इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. योर सब्जेक्ट इज टी. यू जस्ट टेक टी. यू जस्ट से मेक दिस नाउन टी. ओके द टी इज नॉट made in my house. Tea is not made at my home in the evening. Yeah, mere ghar par at my house. Okay, at my house. Great. Chai banai ja rahi hai. The tea is made. The tea is being made. Continuous. बनाई जा रही है. ओके द टी इज बीइंग मेड. मेरे दोस्तों को डांटा जा रहा है. माय फ्रेंड इज बीइंग स्कॉल्डेड. फ्रेंड मतलब प्लूरल. ओके ओके माय फ्रेंड्स आर बीइंग स्कॉल्डेड. ग्रेट. मेरे भाई को, मेरे भाई के कपड़े धोए जा रहे हैं. My brother's clothes are being washed. Room को साफ किया जा रहा है. Room is being cleaned. Room को साफ कर दिया गया है. The room has been cleaned. Lunch बना दिया गया है. The lunch बना दिया गया. The lunch has been prepared. सब्जियां खरीद ली गई हैं. The vegetables has been purchased. अब vegetable मतलब plural. Plural तो so the vegetables have been purchased. Purchased. Okay. कुछ लोगों को इनवाइट किया गया है. Some people have been invited. कल मुझे नहीं डांटा गया था. कल मुझे नहीं डांटा गया था. Okay, I had been not scolded. Had been की जरूरत नहीं, सिंपल है ना. I was not scolded. Was आएगा आई थिंक. Yes. So I was not scolded. कल मुझे पैसे दिए गए थे. I was given money yesterday. कल मेरे भाई को चॉकलेट दिए गए थे. My brother was given chocolates. तुमको बहुत सारे पैसे दिए गए थे. You were given a lots of money. Hmm.
डैड के आने से पहले डिनर बना दिया गया था। पहले डिनर बना दिया गया था। द डिनर हैज बीन प्रिपेयर्ड बिफोर माय फादर रिच। डिनर हैड बीन, हैड बीन आएगा ना, हैड बीन मेड। ओके, बना दिया गया था, सॉरी। A dinner had been prepared before my father reached. Reached. Simple part. Mom के आने से पहले room को साफ कर दिया गया था। The room had been cleaned before my mom reached home. मेरे कपड़े धो दिए गए थे। My clothes have been washed. कुछ लोगों को हायर कर लिया गया था मेरे ऑफिस जाने से पहले। Some people had been hired before पहुंचने से पहले, रिपीट अगेन। मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले कुछ एम्प्लॉय को हायर कर लिया गया था। ओके, सम एम्प्लॉय हैड बीन हायर्ड बिफोर आई रीच एट ऑफिस। रीच्ड के बाद ना कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। रीच्ड ऑफिस, बिफोर आई रीच्ड ऑफिस, रीच्ड ऑफिस, सॉरी। ओके, गॉट इट। एक लड़की को किडनैप कर लिया गया था पुलिस के पहुंचने से पहले। एक लड़की, अ गर्ल हैड बीन किडनैप्ड बिफोर पुलिसमैन रीच्ड। कल फूलों को तोड़ा जा रहा था। फ्लावर्स जा रहा था। फ्लावर्स वॉज बींग प्लग्ड यस्टरडे। फ्लावर्स मतलब प्लूरल, बींग या वो वर, सॉरी वर होगा, इट मींस फ्लावर्स वर पर बींग प्लग्ड यस्टरडे। ओके, और जब मैं कल पार्क गया तो मैंने देखा पार्क को साफ किया जा रहा था। When I went to the garden, I saw the garden has गया was cleaned. नहीं, किया जा रहा था, continuous था। Yeah, the garden is being cleaned. Was. Was being cleaned. Sorry. Yes, was being cleaned. और एक लड़की को डांटा जा रहा था। A girls were scolded. Girl was being scolded. The girls were being scolded. ठीक है, फ्यूचर। कल तुमको पैसे दिए जाएंगे। You will be given money. तुमको कल बुलाया जाएगा। Invited yesterday. Say it again. I couldn't listen you. Okay. You will be invited yesterday. Great. तुम्हारे रूम को सजा दिया जाएगा कल। Your room will be decorated. Decorated. और तुम्हारे घर को साफ कर दिया जाएगा। You can say your room will be cleaned. Yes, great. मॉम के आने से पहले चाय बना दी जाएगी। I will be made tea before mom reached. फ्यूचर में सिंपल नहीं आएगा। फ्यूचर में मॉम के साथ ना पास्ट प्रेजेंट सिंपल लगाओ।
और इधर ना एक्टिव नहीं है, पैसिव ही है, चाय बना दी जाएगी, मतलब चाय बना दी जाएगी किसी के द्वारा। इज द टी विल बी मेड बिफोर मॉम रीच। हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट का वो है ना पैसिव, तो विल हैव मेड, विल हैव बीन मेड। ओके वी हैव बीन मेड। हाँ टी विल हैव बीन मेड बिफोर मॉम कम्स कम्स। ओके ठीक है। जैसे कि तुम्हारे कपड़े धो दिए जाएंगे तुम्हारे सिस्टर के आने से पहले। और कपड़े विल हैव बीन वॉश्ड बिफोर तुम्हारे सिस्टर के आने से पहले, तो योर सिस्टर्स कम्स। गेस्ट, यस गेस्ट के आने से पहले खाना बना लिया जाएगा। द फूड विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बिफोर गेस्ट रिच। ग्रेट। अब मॉडल के पैसे में चलते हैं, ठीक है? ओके नो प्रॉब्लम, लाइक इट्स इजी। शायद तुमको बुलाया जाएगा, शायद। ओके शायद तुमको बुलाया जाएगा। शी माइट हैव यू, तुमको you. बुलाया जाएगा। शी ओके यू माइट हैव इनवाइटेड। नहीं, प्रेजेंट में जब मॉडल का पैसिव बनाते हैं तो केवल हर एक मॉडल के साथ बी होगा और फिर थर्ड फॉर्म होगा V3। यू माइट बी इनवाइटेड। यू माइट बी इनवाइटेड। ओके शायद तुम्हारे दोस्त को आज डांटा जाएगा। योर फ्रेंड्स माइट बी स्कॉल्डेड। शायद आज तुम्हारे रूम को साफ कर दिया जाएगा। योर रूम माइट बी क्लीन। शायद इस पेड़ को आज काट दिया जाएगा। ही माइट बी कट। कट ओके। और जैसे कि अब सुड में है, सुड का मॉडल देखते हैं, सुड का पैसे देखते हैं। जैसे कि तुम्हारे कपड़े धोए जाने चाहिए, यू नो लाइक Your clothes should be washed. तुम्हें इनवाइट किया जाना चाहिए। You should be invited. ठीक है, अब पास्ट में चलते हैं। पास्ट में मतलब जब जाएंगे तो have been लगेगा, हर एक मॉडल होगा, मॉडल के बाद have been, फिर थर्ड फॉर्म। ओके शायद कल उसको डांटा गया होगा। शायद उसको डाटा गया। ही हैज बीन मॉडल लगा, मॉडल सब्जेक्ट के बाद मॉडल, फिर हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म। शी हैव बीन स्कॉल्डेड। नहीं, मॉडल को ही होना चाहिए, माइट मे और फूड। फूड माइट हैव बीन, शायद शी माइट हैव बीन स्कॉल्डेड। शी माइट हैव बीन स्कॉल्डेड। ओके शायद उसको पैसे दिए गए होंगे। He might have been given money. शायद उसको कल यहाँ उसके दोस्त के द्वारा बुलाया गया होगा। Oh God, शायद उसको he might have been invited by her friends. Great. Okay. शायद उसको किडनैप कर लिया गया होगा। He might have been kidnapped. Okay. अब नेगेटिव में चलते हैं, नेगेटिव में। प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। मुझको पैसे नहीं दिए जाते हैं। I am not given money. कल पौधों को पानी नहीं दिया गया था। The plants had been not watered. Had been ऐसे लगेगा ना, जैसे दो क्लोज दिखाएंगे तभी had been आएगा, you know?
नहीं तो वर ओके ओके पर ओके द प्लांट्स वाज नॉट बीइंग वाटर्ड जैसे ज्यादा जैसे प्लांट्स है प्लांट्स प्लांट अगर एक प्लांट है तो वाज नॉट वाटर्ड अदरवाइज प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड ओके द प्लांट्स नॉट वाटर्ड कल मुझे नहीं डाटा जा रहा था I was not being scolded. कल खाना नहीं बनाया जा रहा था. The food is not being made. इस के जगह पे was लगाओ. Food okay. was. The food was not being made. Made. मेरे मॉम के आने से पहले चाय नहीं बनाई गई थी. नहीं बनाई गई थी. The tea had not been made before my mom comes. Came. It's a very difficult for me. It's like it depends on practice. Okay, fine. मेरे कपड़े नहीं धोए गए थे मेरे भाई के आने से पहले. My clothes have not been washed before my brother came. Yeah. Have been or had been? Had not been. Had not been. Okay. My clothes had not been washed before my brother came. Great. Future. कल तुम्हें इनवाइट नहीं किया जाएगा. You will not be been invited. You will not be invited only. Okay. कल तुमको खाना नहीं दिया जाएगा. Not be given food. गेस्ट के आने से पहले खाना नहीं पकाया जाएगा. I'm sorry. Food will not have been cooked. The food will have, I guess. हाँ, future है ना, तो will not have been cooked. Okay. The food will have not been cooked. Food made not. The guest. Food will not have been cooked before guest come. The food will have not been. Yeah, no. Will के बगल में not लगाओ. Will के बगल में not होना चाहिए. The food will not have been made before the guest come. Great. Okay. शायद तुमको पैसे नहीं दिए जाएंगे. You might not have been. Given money. Present का मॉडल है. कोई भी मॉडल होगा, बी होगा, फिर बस वही थर्ड फॉर्म होगी. You might not be given money. You might not be given money. शायद आज तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा. You might not be given food. ठीक है, फास्ट में चलते हैं. शायद कल उसको नहीं डाटा गया होगा. शायद उसको she might not have been scolded. Great. शायद कल उसको पैसे नहीं दिए गए होंगे. She might not have been given money. Great. तुम्हारे कपड़ों को नहीं धोया जाना चाहिए. Should में. You should
नॉट योर क्लोथ, योर क्लोथ सब्जेक्ट है, योर क्लोथ, योर क्लोथ शुड नॉट वॉश्ड, बी वॉश्ड। और पास्ट में जैसे बोले कि कल तुम्हारे रूम को साफ नहीं किया जाना चाहिए था, द रूम शुड नॉट हैव बीन क्लीन्ड। ग्रेट ग्रेट, सारा पैसिव कंप्लीट, देखो कितना अच्छा है, प्रैक्टिस करने पे देखो रोज ही गाने की तरह हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी इन द बिगिनिंग यू वर टोटली अपसेट दैट हाउ कैन आई make those sentences, but you didn't make, so you didn't make mistake while framing sentences. It is, because I am practice alone at home and I don't know, I didn't realize I will fluently answer. अभी देखो एक पॉजिटिव का पैसिव होगा, अभी पॉजिटिव का पैसिव है, कंडीशनल का पैसिव है, और एक यूज्ड टू में है जो यूज्ड बोल, ओके so cannot problem, okay bye, okay.